हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद विजय। तो गाइस, इस वीडियो में हम अपने इन मेथड्स के अंदर कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अपने यहाँ तक का लॉजिक कंप्लीट कर लिया था, हमने जो वैल्यूज उनको फेच किया था एंड देन ऑल्सो हमने यहाँ पे अपना जो लोड स्कोर मेथड था जो कि था लोड हाई स्कोर मेथड, जिसके अंदर हम शेयर प्रेफरेंस से वैल्यू को गेट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो अपने लॉग कैड में 0-0 वैल्यू को डिस्प्ले कराने में कामयाब हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो जो प्रोग्रामिंग स्कोर है यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है वो एक्चुअली यहाँ पे स्टोर हो रही है 0-0, मीन्स यहाँ पे 0-0 डिफाइन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम जो वैल्यूज भेज रहे हैं वो भी 0-0 है। तो अभी हमने अपने शेयर प्रेफरेंस में एडिट करके वैल्यूज को नहीं भेजा, जो कि हम इन तीन मेथड्स के अंदर करेंगे। तो गाइस, एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कंपैरिजन कोड का यूज करेंगे, तो स्कोर अप टू अपडेट जो वैल्यू होगी डिपेंडिंग अपॉन जब हम यहाँ से स्कोर वैल्यू भेज रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर वो स्कोर वैल्यू हमारे प्रीवियस स्कोर जो कि यहाँ पे हमारा सेव होगा उससे ज्यादा हुई, तब हमारा ये पर्टिकुलर अपडेट प्रोग्रामिंग जो हाई स्कोर मेथड है ये वैल्यू को अपडेट करेगा। तो चलिए अब मैं कोड करता हूँ, देन आपको थोड़ा और भी ज्यादा क्लियर होगा। So, let's start this video. तो यहाँ पे गाइस, मैं सबसे पहले if condition का use करूंगा। If condition का हम यहाँ पे use करते हैं, तो brackets को start करते हैं and then finally यहाँ पे हम अपने expression को specify करते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा score to update, जो कि हमारा ये variable है जो कि as a parameter हमने पास किया है, तो इसको हमें compare करना होगा with the value of programming, तो programming high score। अब ये programming high score की जो variable की value है ये हमारा load high score method यहाँ पे initialize कर देगा, जैसे ही हमारा load high score method यहाँ पे call हो रहा है। सो दैट इज द रीजन कि हम इससे पहले यहाँ पे जो भी हम कैटेगरीज वगैरह फेच कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं सॉरी, तो उससे पहले हम यहाँ पे अपना जो लोड हाई स्कोर मेथड है यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं। सो दैट इज द रीजन कि जो हमारे ये वेरिएबल्स हैं जो कि हमने यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर रखे हैं तीन वेरिएबल्स, इनके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी और देन जब ये वैल्यूज इनके अंदर आ जाएगी शेयर्ड प्रेफरेंस में इनिशियलाइज होके, यानी मेमोरी में उनके इस समय वैल्यू प्रेजेंट होगी, तो हम अपने कंपैरिजन कोड चेकेंगे। अगर वो वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हुई, मीन्स हमारा जो मान लीजिए प्रोग्रामिंग हाई स्कोर की जो वैल्यू थी वो 20 है, दोबारा से नई क्विज खेली और वहां पे अब जो स्कोर टू अपडेट है वो 30 हो चुका है, तो 30 ग्रेटर है हमारे प्रोग्रामिंग स्कोर की वैल्यू जो कि 30 ग्रेटर है 20 से, तो उस केस में हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा लॉजिक का। तो अब चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्रामिंग हाई स्कोर की जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हम कर देंगे यहाँ पे स्टोर स्कोर टू अपडेट, यानी जो स्कोर टू अपडेट की वैल्यू है वो हमने अब अपने प्रोग्रामिंग हाई स्कोर के अंदर इनिशियलाइज कर दी, क्योंकि अब उसके अंदर हमें न्यू वैल्यू देनी है। अब हमारे को इस वैल्यू को स्टोर करना हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर, तो यहाँ पे हमारे को फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि होगा शेयर प्रेफरेंसेस का, यानी यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस यूज करते हैं, देन फिर यहाँ पे गेट शेयर प्रेफरेंसेस एंड देन फाइनली यहाँ पे हम अपनी जो स्कोर प्रेफरेंस फाइल की वैल्यू है उसको भेजते हैं और देन हमारे को यहाँ पे मोड भेजना है प्राइवेट। तो ये तो हमने अपने शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट काम यहाँ पे ये करते हैं, हम शेयर प्रेफरेंस क्लास का डॉट एडिटर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और एडिटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, यानी अब हमारे को शेयर प्रेफरेंस के अंदर वैल्यू को एडिट करना है। तो शेयर प्रेफरेंस जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रखा है शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिट मोड में हम इसको लेके जाते हैं एंड देन फाइनली यहाँ पे हम यूज करेंगे एडिटर डॉट पुट, तो यहाँ पे पुट इंट का हम यूज करेंगे और देन यहाँ पे यूज करेंगे प्रोग्रामिंग एंड देन प्रोग्रामिंग हाई स्कोर जो हमने वैल्यू पर इनिशियलाइज की है स्कोर टू अपडेट वाली, यहाँ पे हमने वैल्यू अपडेट कर दी थी इसकी, जो भी स्कोर टू अपडेट है असाइनमेंट ऑपरेटर का हमने यूज करके उसको वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है। ओके, तो अब ये जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर पुट कर दिया है। अब देन हमारे को यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस के ऊपर अप्लाई करना होगा, तो एडिटर डॉट यहाँ पे हम अप्लाई को कॉल करेंगे। तो इस पर्टिकुलर कोड से क्या होगा कि हमारी जो प्रोग्रामिंग की जो हाई स्कोर की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। सिमिलरली यही सारा कोड हमारा यूज होगा इनसाइड दी अदर मेथड्स भी, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन सिमिलरली गाइस, यही सारा जो कोड है वो यूज होगा हमारे अदर मेथड्स के अंदर भी, तो यहाँ पे भी मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन फाइनली यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग हाई स्कोर है इसकी जगह हमारे को यहाँ पे यूज करना होगा लाइक वीडियो प्रोडक्शन, तो यहाँ पे वीडियो प्रोडक्शन हाई स्कोर है, कॉपी करते हैं यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे हमारे को जो कॉन्स्टेंट है उसको भी चेंज कर देना है, तो ये भी हो जाएगा हमारा वीडियो प्रोडक्शन। फाइनली यहाँ पे भी यही सेम कोड यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसको कॉपी करते हैं, मीन्स यहाँ पे हमारे को पूरी की पूरी इफ कंडीशन भी कॉपी करनी है एंड देन फाइनली स्कोर टू अपडेट और यहाँ पे हम इसको स्पेसिफाई करेंगे, तो वीडियो प्रोडक्शन हो गया, देन ये हमारा हो जाएगा मोटिवेशन हाई स्कोर, सो कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं मोटिवेशन हाई स्कोर, यहाँ पे जो वैल्यू हमें एडिट करेक्टर के अंदर, देन यहाँ पे हमने वैल्यू पेस्ट कर दी जो कि हम एडिटर के अंदर पुट करेंगे और देन यहाँ पे हमारे को भी कॉन्स्टेंट को चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा मोटिवेशन। तो गाइस, अब यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है हमारे तीनों ही मेथड्स के अंदर जो कि हमारे स्कोर को अपडेट करेंगे। तो चलिए अब रन करके देखते हैं एप्लीकेशन को और उसके बाद हम अपने बाकी जो कोडिंग है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि लिसनर सेट करने हमारे को उन सभी इमेज व्यूज पे जो कि हमारी गेम ओवर स्क्रीन के अंदर हमने स्पेसिफाई कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग मेरी एप्लीकेशन हो चुकी है इंस्टॉल, तो यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है एप्लीकेशन, तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। तो साथ साथ मैं यहाँ पे लॉग कैट को भी ओपन कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे अब हम अपने देखते हैं स्कोर को, तो प्ले क्विज पे मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से हमारी अब क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन कैटेगरी हमने स्पेसिफाई कर रखी है, एक हमने यहाँ पे यूज कर रखी है प्रोग्रामिंग और एक है मोटिवेशन, तो यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग कैटेगरी की क्विज को प्ले करता हूँ एंड देन यहाँ पे क्योंकि तीन क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करता हूँ कि तीनों के तीनों सही हो जाए, तो डक डक गो इज व्हाट
इट्स एक्चुअली अ सर्च इंजन। देन डोंट वरी, ये जो यूआई है इसको भी हम अभी अपडेट कर देंगे। अभी हम अपने जो मेन जो कि फंक्शनलिटी है जो कि स्कोर की, वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। देन हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWW, तो यहाँ पे इन्वेंटर कौन था, तो टिम बर्नर्स-ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एनिमेशन परफॉर्म हो रही है जो कि है ड्रॉएबल एनिमेशन, तो यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली करेक्ट है इसका आंसर। देन यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्टन, तो इट्स एन एंटीवायरस। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी जो शेयर प्रेफरेंस में वैल्यू है वो अपडेट हो रही है या नहीं, क्योंकि अभी हम अपनी गेम ओवर स्क्रीन के अंदर है। देन यहाँ पे हमारी गेम ओवर स्क्रीन आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोग्रामिंग की जो स्कोर की वैल्यू 00 ही डिस्प्ले हो रही है। तो देखते हैं एक बार डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में कि जो हमारी शेयर प्रेफरेंस की फाइल है वो क्रिएट हुई है या नहीं। तो डेटा को एक्सपेंड करते हैं और com.info.vijay पे जाते हैं जो कि हमारा पैकेज नेम है। तो ये हमारी ट्रिवा क्विज ऐप 2। तो यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर प्रेफरेंस की फाइल तो क्रिएट हो गई है। एंड देन यहाँ पे आते हैं तो प्रोग्रामिंग की, यहाँ पे जो आप देख सकते हो वैल्यू आ चुकी है प्रोग्रामिंग हाई स्कोर प्रेफरेंस, तो यहाँ पे 30 आ गई है। तो यानी जो वैल्यू है हमारी ये प्रॉपरली यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अब हमारे को इस वैल्यू को रिट्रीव करना है, तो वो रिट्रीव हम करना चाहते हैं हमारी स्कोर स्क्रीन पे। तो अगर आपको मैं यहाँ पे लेआउट देखूँ अपनी स्कोर स्क्रीन का, तो यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड होगा नहीं, एक मिनट, इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं इसको जो कि हमारी ये लेआउट फाइल है। तो यहाँ पे जो हमने जो स्कोर स्क्रीन बनाई है यहाँ पे हमने अब वैल्यू को अपडेट करना है। तो वेटिंग फॉर द बिल्ड टू फिनिश, तो अभी यहाँ पे बिल्ड फिनिश नहीं हुआ इसका। कहने का मतलब ये जो स्क्रीन अभी आ जाती है तो मैं आपको एक्चुअली में डिस्प्ले कराता हूँ। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग की जो वैल्यू है उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी स्कोर स्क्रीन के अंदर कोडिंग को स्पेसिफाई करना होगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने वैल्यू थी प्रोग्रामिंग हाई स्कोर की वो हमने यहाँ पे अपडेट कर दी है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट इसको खेलता हूँ, तभी तो यहाँ पे इन बटन में हमने कोई भी लाइक फंक्शनलिटी एड नहीं कर रखी। तो एक बार मैं इसको दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, मैं दोबारा से इसको लॉन्च करता हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि यही शेयर प्रेफरेंस फाइल के अंदर हमारी जो मोटिवेशन कैटेगरी होगी वो भी एक्चुअली में अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्ले क्विज पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मैं मोटिवेशन क्विज को खेलूंगा, क्योंकि एनिमेशन के तो मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो उससे ज्यादा वैल्यू अपडेट नहीं होगी। तो हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWW, तो यहाँ पे टिम बर्नर्स ली है। देन आप देख सकते हैं मोटिवेशन कैटेगरी है, देन यहाँ पे हमें इसको भी अपडेट करना है। तो सारा काम मैं भी आने वाले वीडियोस में कर दूंगा, अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है लॉजिक जो है स्कोर के ऊपर, क्योंकि ये काफी ट्रिकी पार्ट है इस एप्लीकेशन का, इसलिए मैं इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। देन DuckDuckGo इज व्हाट, इट्स एक्चुअली अ सर्च इंजन, तो यहाँ पे ये भी सर्च इंजन पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही क्वेश्चंस को करेक्ट रखूंगा, एक को मैं इनकरेक्ट कर दूंगा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सो व्हाट इज नॉर्टन, इट्स का जो करेक्ट आंसर है वो एंटीवायरस है, बट यहाँ पे मैं वैक्सीन सिलेक्ट करता हूँ जस्ट फॉर की सिर्फ 20 वैल्यू ही हमारी मोटिवेशन की अपडेट हो जो की हाई स्कोर में सेव होगी। देन अब यहाँ हमारे को यहाँ पे करेक्ट वाला शो कर देगा, तो ये भी लॉजिक हमारा परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। देन आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चन हमने 3 अटेम्प्ट करे, राइट 2 है, रॉन्ग 1 है। अब यहाँ पे अगर आप लॉक कैट में देखोगे तो अभी भी यहाँ पे 00 डिस्प्ले करेगा, अब ये इसलिए करा रहा है। देन हम यहाँ पे देख सकते हो लॉक कैट में यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो स्कोर है इसकी 30 वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करा दी, बट जो मोटिवेशन है और जो व्यू प्रोडक्शन है इसकी 00 कर रहा है। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो ये एक बार में एक्टिविटी कॉल हो चुकी है, मीन्स लोड हाई स्कोर यहाँ पे एक बार कॉल हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कॉल हो चुका है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ये लोड हाई स्कोर कॉल हुआ, तो यहाँ पे कंट्रोल सीधा हमारा यहाँ पे आ गया जो कि था ये हमारा लोड हाई स्कोर। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्रोग्रामिंग हाई स्कोर की शेयर प्रेफरेंस में उसको 30 मिलेगी, तो उसने यहाँ पे 30 प्रिंट कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो प्रोडक्शन की, क्योंकि 0 है, क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन का क्वेश्चन भी एग्जिस्ट नहीं करता हमारी ट्रिवा क्विज हेल्पर के अंदर, तो दैट इज रीजन की उस पर्टिकुलर चीज को खेलने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैंने आपको जस्ट फॉर द डेमोंस्ट्रेशन पर्पस ये वाली कैटेगरी में इंप्लीमेंट करके दिखाया। अब मोटिवेशन स्कोर की वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 0 है अभी शेयर प्रेफरेंस के अंदर, लेकिन अब जो वैल्यू वो अपडेट हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम जब ये दोबारा से हमारी गेम ओवर स्क्रीन अगर कॉल करेगी हमारे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो कि है गेम ओवर स्क्रीन के मीन शेयर प्रेफरेंस को कॉल करेगी, तो अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे पैकेज को एक्सपेंड करके दिखाऊं ये शेयर प्रेफरेंस वाला, तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे जो मोटिवेशन कैटेगरी है उसकी भी वैल्यू 20 यहाँ पे अपडेट हो गई है। तो अगर अब हम दोबारा से इसको खेलेंगे क्विज को, तो अगर मैं आपको दोबारा से क्विज खेल के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं क्लोज करूँ तो क्लोज हो जाएगी पूरी की पूरी एप्लीकेशन। दोबारा से मैं बिल्ड करता हूँ और दोबारा से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं ले करके, तो फिर से मैं लॉक कैट को ओपन कर लेता हूँ और इस बार आप देखोगे कि जो मोटिवेशन कैटेगरी की जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं फिर से लाइक एनिमेशन को सिलेक्ट करता हूँ, नॉट एनिमेशन, प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करता हूँ, एनिमेशन तो हमने इम्प्लीमेंट नहीं करी। सो DuckDuckGo इज व्हाट, इट्स एक्चुअली अ सर्च इंजन, तो यहाँ पे मैंने सर्च इंजन को सिलेक्ट किया, तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो इसको आपको गाइस ध्यान से देखना लॉजिक को, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं काफी तेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, लेकिन जब आप एप्लीकेशन बनाओगे अपने लिए प्रोफेशनल लेवल पे तो आप क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा ऐड करना, यूनिक ऐड करना। सो व्हाट इज द इन्वेंटर ऑफ WWW, तो इसको भी हम सही कर लेते हैं, चाहे सही करो चाहे कम करो, अब 30 से ज्यादा तो वैल्यू होगी नहीं जब तक आप क्विज की जो साइज है उसको इंक्रीज नहीं करते। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटिवेशन की जो वैल्यू है स्कोर की वो भी यहाँ पे अपडेट हो गई है जो की है 20, और यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग की जो थी प्रीवियस वैल्यू 30 वो तो आ ही रही है।
तो गाइस यहाँ पे हमारा जो शेयर्ड प्रेफरेंस है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हमारे को काम जो करना है वो ये है कि जैसे हम इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करें, क्योंकि ये हमारे को स्कोर स्क्रीन पे लेके जाएगा, ये रिप्ले है, देन ये हमारा होम स्क्रीन पे लेके जाएगा। तो जब हम इस पे क्लिक करें तो हम चाहते हैं कि जो हमारी स्कोर स्क्रीन है वो ओपन हो जाए और वहां पे हमारे को जो हमारी प्रोग्रामिंग जो कि क्विज है उसका यहाँ पे हमारे को लॉजिक दिख जाए, मीन्स जो वैल्यू है स्कोर वो दिख जाए, साथ साथ मोटिवेशन की और साथ साथ जो भी आपने अपनी पर्टिकुलर क्विज में इंप्लीमेंट की होगी डिपेंडिंग अपॉन दिस लॉजिक, जो भी ये लॉजिक मैंने आपको लिख के दिया सिमिलरली है, कॉपी पेस्ट करोगे, कॉन्स्टेंट को चेंज करोगे तो आपकी टेस्टिंग वाला बन जाएगा। देन एक सिंपल अलग से आपको मेथड क्रिएट करना होगा टेस्टिंग के लिए। सिमिलरली आपको यहाँ पे अपना एक और कंडीशन कंपैरिजन करना होगा टेस्टिंग के लिए। एंड देन फाइनली गाइस यहाँ पे आपको वेरिएबल्स भी क्रिएट करना होगा, एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करना होगा टेस्टिंग के लिए। देन सिमिलरली आपको यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल क्रिएट करना होगा टेस्टिंग के लिए। तो बड़ा ही सिंपल है, इसीलिए मैंने आपको तीन यहाँ पे बना के दिखा दिए छह में से, बाकी तीन मैंने आपके लिए रख दिए। हालांकि वीडियो प्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन हमारा वो ट्रिवा क्विज हेल्पर में एग्जिस्ट नहीं करता, सो दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे ट्रिवा क्विज हेल्पर में हमारे को जो वीडियो प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, मोटिवेशन, एनिमेशन, कंप्यूटर्स और टेस्टिंग एग्जिस्ट करता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली कॉन्स्टेंट यहाँ पे डिफाइन करना होगा, तो वो मैं शायद आने वाले वीडियोस में कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि दो ही कैटेगरी से भी जो मेन मुद्दा है, मीन्स मैं जो चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूँ वो मैंने आपको बता दी कि कैसे आप एक सेपरेट कैटेगरी का जो स्कोर है उसको आप सेपरेटली सेव कर सकते हो। तो लॉक कैट में अब आप देख सकते हो जो जैसे हमने मोटिवेशन की क्विज खेली तो उसका स्कोर मोटिवेशन वाली स्कोर में जाकर सेव हो गया, अगर आप प्रोग्रामिंग खेलोगे तो प्रोग्रामिंग में जाकर सेव हो चुका है, अगर आप वीडियो प्रोडक्शन खेलोगे तो वीडियो प्रोडक्शन में जाकर सेव हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आपने अपनी बाकी तीन कैटेगरीज जो भी आपने अपनी पर्टिकुलर क्विज में बनाई होगी वो तीनों के तीनों भी अपडेट हो जाएंगे। आई नो दैट कि गाइस ये थोड़ा सा ट्रिकी लॉजिक है, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक यूट्यूब पे अवेलेबल भी नहीं है, तो उसको भी मैंने को बनाने में काफी समय लगा था इस लॉजिक को सोचने में, बट फाइनली मैंने इसको अचीव कर लिया था, तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरा लॉजिक और ये इस तरीके का क्रिएशन अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और गाइस जाते जाते कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।